ना कि शूद्र गुप्त का अर्थ गुप्त रूप से रहना, साकार रूप में भी है निराकार रूप में भी विद्यमान है, उसका नाम है चित्र गुप्त भगवान। अब यू देखो बाराबंकी जिले में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी तो भैया कास्ट समाज की परिभाषा समझा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि चित्रगुप्त भगवान तो हमारे दिल में विराजमान है। और देखा तो भैया बिल्कुल नए स्टाइल में दिख रहे थे, सोफे का सिंहासन बना लीन और बढ़िया पूरा साल लपेट करके विराजमान हो गए और बढ़िया परिभाषा सुनाने लगे कास्ट समाज को लेकर के, और ये भी बता रहे थे कि चित्रगुप्त भगवान भैया हमारे दिल में विराजमान है। क्या बात है, तनिक सुनो भैया। शाब्दिक अर्थ में काया प्लस अस्थ, जो काया में स्थिर है वो हुआ कायस्थ, यथा तटस्थ दूरस्थ। काया में कौन स्थिर है? वेदानुकूल 33 कोटि देवता, वसु रुद्र और आदित्य, इंद्र और प्रजापति के साथ में। फिर हमारे वेद कहते हैं कि जहां पर देवताओं का वास होता है वहीं पर ईश्वर का भी वास होता है। ये मेरी काया है, जहां पर देवताओं के साथ ईश्वर भी हैं। अब काया में स्थिर होने के नाते, काया में स्थित होने के नाते एक और भगवान भी हमारे साथ हैं। उस भगवान का नाम चित्रगुप्त भगवान है और ये स्वाभाविक भी है कि जिस तरह से ईश्वर हमारे पल पल के कर्मों की जानकारी रखता है, उसी तरह से भगवान चित्रगुप्त भी प्राणी मात्र के हर पल का लेखा जोखा रखते हैं। और यह तभी संभव है जब वो हमारी स्वयं काया में उपस्थित हों। ईश्वर के बाद भगवान चित्रगुप्त, और नाम से ही स्पष्ट हो गया कि चित्र का तो साकार रूप हो गया और गुप्त का अर्थ गुप्त रूप से रहना। वह चित्र, वह शरीर, वह काया जो हमारे अंदर साकार रूप में विद्यमान है, निराकार रूप में विद्यमान है, साकार रूप में भी है निराकार रूप में भी विद्यमान है, उसका नाम है चित्र गुप्त भगवान। अब भगवान चित्रगुप्त केवल कायस्थों के हैं, आपको प्रश्न के आपके प्रश्नों का उत्तर संभवता इसमें निहित है, मिल गया होगा। ये सारे प्राणी मात्र के हैं और सारे प्राणी मात्र को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि कर्म फल देने वाले तो ईश्वर हैं, कर्म फल लिखने वाले भगवान चित्रगुप्त हैं। इसलिए अपने आराध्य की सब लोग पूजा करें, केवल कायस्थ पूजा न करें, सब लोग पूजन भजन करें। और यही हमारे भाग्य विधाता हैं, हमारे भाग्य को जब चाहें तब अपनी लेखनी से बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब यू भैया यहीं पर शांत नहीं होते, अभी तो भैया इनके प्रवचन का मुख्य भाग बाकी है। ये बताते हैं कि देखो भैया ऐसा ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ब्राह्मण प्रकट हुए और हाथों से क्षत्रिय, बाकी तरह की नहीं, मुंह से सुन ले भैया। यथा मस्तिष्क से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, उधर से वैश्य और जंगा के शूद्र, तो ये ब्रह्मा जी की समस्त काया में थे, जैसे आज भी हमारी समस्त काया में ईश्वर के साथ विराजमान हैं, तो हम उस तरह से भी कायस्थ कहलाते हैं और इस तरह से भी कायस्थ कहलाते हैं। अब सुना भैया रंजीत बाबू शास्त्री जी क्या बता रहे थे, कुछ भी कहो भैया, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और रंजीत बाबू शास्त्री जी जो कि पीठाधीश्वर है बढ़िया ज्ञान की बातें बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि देखो भैया मानो चाहे ना मानो हर कोई कास्ते कास्त है और हमारे दिन में भैया चित्रगुप्त भगवान जी विराजमान है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शिव मैं सहज हूं, इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो।